वैसे इस कार्यक्रम में शपथ ग्रहण भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के नेता का हो रहा था। इस पर बुलाए भी गए थे कांग्रेस पार्टी के भी नेता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन वाली सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जेजेपी ने जनादेश का अपमान किया। सरकार बनी है जिस प्रकार से बनी है, जो गठबंधन हुआ है, वो जो है वोट किसी की, सपोर्ट किसी को, ये जो सरकार जो है ये इस किस्म से बनी है स्वार्थ से, क्योंकि जो जेजेपी है पार्टी है वो जनादेश के उसकी उन्होंने वो सम्मान नहीं किया, जनादेश का अपमान किया है और प्रजातंत्र सम्मान होना चाहिए।